नमस्कार दोस्तों, आइए हमारा एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में जब नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े वीडियो लाता रहता हूं। आज मैंने लाया है टॉर्च लाइट्स, जो बिल्कुल ही किसी ने खोल खाल के सब खराब कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर सब तार टूट चुके हैं, ये तार टूट चुके हैं, इसको हम रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर करेंगे आप देखिए, पहले तो हम ये जो बैटरी के तार होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। बैटरी के तार को आपको चेक करना है, बैटरी के वोल्टेज कितना है। पहले मैं बैटरी को अभी चेक करके देखता हूँ वोल्टेज कितना है बैटरी में। थोड़ा कम वोल्टेज है, 2 वोल्ट दिखा रहा है, और इसको देखते हैं ठीक है। और यहाँ पर जो तार टूट चुका है, और यहाँ पर तार टूट चुका है, ये तार को हम जो चार्जर के तार होते हैं ये चार्जर तार को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और इसमें और ये सर्किट में थोड़ा सा टूट चुका है, ये तार टूट गया है, इस तार को हम सोल्डरिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो एसी 220 वोल्ट से 4 वोल्ट निकलता है, ये 155J 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, और इसमें हम डायोड दिया गया है जो सर्किट बोर्ड में, ये तार टूट चुका है, इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे। अभी मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा पेस्ट लगा लूँगा, और इसमें सोल्डरिंग करके चार्जर से कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम ये तार को यहाँ पर से सोल्डरिंग कर लेंगे। तार ये देखिए सोल्डरिंग हो चुका है। अभी हम ये जो एसी 200 वोल्ट चार्जर पे आता है, ये दो तार को हम सोल्डरिंग कर लेंगे। ये बेटा यूट्यूबर आंखों तो बोलसी के नहीं बाबू की थी, और ये बाबू दीदी बाबू तो केबे मत लगा लगा पका नहीं काली मिचर दू वांगी बुंगा के आन के दबो न को दिन से लगे हो ना मन चार पानी को लोग के वीडियो चार पाला वीडियो। अभी हम दो साइड में सोल्डरिंग कर लिए हैं, अभी इसको यहाँ पर लगा लेंगे, और चार्जिंग पे हम टेस्ट करके देखेंगे चार्ज ठीक हो रहा है कि नहीं। अभी हम चार्जिंग प्लग पे देके देखेंगे चार्ज ठीक हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक चार्ज हो रहा है, अभी ठीक हो गया। अभी हम उसको फिटिंग करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा चार्ज करके जलता है कि नहीं। हाँ जल रहा है, देखिए बहुत बढ़िया जल रहा है, अभी ठीक हो चुका है, इस तरफ से भी जल रहा है, बढ़िया चार्ज हो रहा है। अभी हम इसको फिटिंग करके दोबारा से चार्ज में बिठाएंगे। इस तरह से आप भी घर में बढ़िया तरीके से साधारण टॉर्च को ठीक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बैटरी भी अच्छा है, और हम फिटिंग कर लेंगे जैसा था वैसा फिटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम फिटिंग करके उसको हम लगा लेंगे। ठीक है, अब फिटिंग ख़त्म हो गया, इस तरह से फिटिंग करके। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के जुड़े सारे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका स्वागत है, और इस चैनल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स से जुड़े बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।